हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कुकिंग विद रूपर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन रिच सैलड रेसिपी। तो चलिए फिर झटपट से बना लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी प्रोटीन रिच सैलड। और ये सैलड अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन है। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक छोटा प्याज इस तरह टुकड़ों में कटा हुआ, और आधी ली मैंने शिमला मिर्च, और न्यूट्री को मैंने सोक कर लिया था पानी में और थोड़ा सा नमक डालकर, और उसके बाद मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिया। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं थोड़ी सी जुकीनी और थोड़े से कॉर्न्स। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गई, मशरूम्स हो गए, या रेड एंड येलो पेपर्स ले सकते हैं आप। जो भी सब्ज़ी आपको अच्छी लगे, आप चाहें तो बीन्स को भी थोड़ा सा बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपनी पसंद की आप कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर लें। तो अब न्यूट्री को एक बोल में हम डाल लेते हैं, क्योंकि हमने करना है इसे थोड़ा सा मैरिनेशन। और सारी सब्जियाँ जो कटी हुई हैं वो भी हम इसमें अब ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सबसे पहले शिमला मिर्च, प्याज। फ्रेंड्स, सोया हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर होता है, और इसलिए ये वेट लूज में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये डायबिटिक और हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी किसी भी एक मील के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मिला रही हूँ 2 चम्मच दही के, और इसमें अब डालूँगी मैं थोड़े से मसाले, जैसे मैंने यहाँ पर डाला नमक, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़े से मिक्स हर्ब्स। मेरे पास पड़ी है पिज़्ज़ा सीजनिंग, तो मैं वो भी इसमें डाल रही हूँ एक सैशे। आपके पास हो तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप कर दें इसे। अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, और अपनी पसंद के कोई भी मसाले इसमें आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सैलड को इस तरह भी ले सकते हैं, बस इस तरह से मिक्स करें और आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा सौते करूँगी, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ सकते हैं, ताकि जो मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए, और अदरवाइज़ इसको आप साथ के साथ भी सौते कर लें। तो मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ। अगर आप नॉन स्टिक पैन ले रहे हैं तो आपको ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पैन ले रहे हैं तो आप इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल सकते हैं। और अब इसको हम हार्डली 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि हमें सब्जियों में क्रंच चाहिए, क्योंकि सैलेड जो होता है वो थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू का रस, इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा, टैंगी हो जाएगा थोड़ा सा, और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। अब डाइट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमने बेस वाली चीज़ ही खानी है, तो उसको टेस्ट तो हम अपनी पसंद से दे सकते हैं ना। तो चलिए, सैलेड हो गया रेडी, और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।